वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पीएन मीना ने सोमवार को रामनगर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने कर्मचारी आवासों, मालखाना, बैरिक, शस्त्रों व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया कि सभी अभिलेख सही पाए गए हैं। कहा कि रामनगर में नशे के कारोबार को लेकर लगातार पुलिस अभियान चलाते हुए कई नशा तस्करों को जेल भेजने की कार्यवाही कर चुकी है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी, यातायात निरीक्षक वेद प्रकाश भट्ट, SSI मोहम्मद यूनुस, SSI मनोज नयाल, परमदारा पुलिस चौकी इंचार्ज दीपक धनिक, मालधन चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार, छोई चौकी इंचार्ज तारा सिंह राणा, ढेला चौकी इंचार्ज जोगा सिंह, गार्जिया चौकी इंचार्ज राजवीर सिंह नेगी, SI नीरज चौहान आदि वहां मौजूद रहे। रामनगर उत्तराखंड से सिटीजन पोस्ट के लिए अरबाज खान की रिपोर्ट। वाले का निरीक्षण क्या है, किस प्रकार का निरीक्षण है, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, जो SSP के लेवल का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है वो 2023 का निरीक्षण जो है अब मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जितने भी हमारे थाने की राजकीय संपत्ति है, जो रिकॉर्ड है, इसके अलावा भवन जो है उनका और जो रजिस्टर है उनके किस तरीके से देखभाल की जा रही है, किस तरीके से रिकॉर्ड को संरक्षित किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। वेपन जो है वो किस कंडीशन में है, जो राजकीय संपत्ति है वो किस कंडीशन में, इन सब चीज़ों को लेके इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जो इंस्पेक्शन किया है उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हैं, रिकॉर्ड भी इनके पास मेंटेन है और कुछ मालों के निस्तान के संदर्भ में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लावारिस वाहन जो काफ़ी लंबे टाइम से खड़े हैं उनका निस्तार किया जाए और जो इनके वादी हैं उनको बुलाकर सुपुर्द किया जाए। सर, दिवाली को लेकर क्या तैयारी की जाए? देखिए, दिवाली को लेके रामनगर के साथ साथ पूरे जनपद में हमारी तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है। इसके साथ ही जो ऐसे बाज़ार है जहाँ भीड़ भाड़ होता है और जो पटाखा बाज़ार लगता है वहाँ पे भी सिवीज में, और इसके साथ साथ में जो हमारी फायर का जो कंपोनेंट है उसको भी हमने तैनात कर दिया है। और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी है तो थोड़ा सा टूरिस्ट का आवागमन भी हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट है वो कर लिया गया है। हमें उम्मीद है कि ये जो दिवाली का जो पर्व है आराम से सकुशल तरीके से संपादित करवा लें। सर, रामनगर में देखा जाए कि पर्यटन नगरी है, कॉर्बेट का है, और लेकिन थाने में देखा गया फोर्स से बहुत कम है, फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाता है, चाहे महिला पुलिसकर्मियों की बात हो या पुरुष कर्मी, यहाँ हमेशा टूटा हुआ फोर्स। देखिए, फोर्स का जो अवेलेबिलिटी का इश्यू है ये पूरे उत्तराखंड में ही है, और कंपेरेटिवली हम जो जगह की संवेदनशीलता उसके हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। नैनीताल ज़िले में जो फोर्स की उपलब्धता उसके मद्देनज़र उसके अनुपात में रामनगर थाने में फिर भी सफिशेंट संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई। सर, नशे को लेकर जो सत्ता पक्ष है वो लगातार फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है कि नशा जो है रामनगर में चरम सीमा पर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025 का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, और इसी क्रम में समय समय पर जितनी भी हमारी टीमें, चाहे SOG हो, NTF हो या थाने की जो टीमें हैं, वो कार्रवाई कर रही है। जो नशे के बड़े तस्कर हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की है। रामनगर थाने में पहले ऐसे जो बड़े तस्कर थे उनके खिलाफ गैंगस्टर की और इस तरीके की कार्रवाइयाँ भी की गई है, और बड़े लेवल पर हमने इनकी संपत्ति जब्ती भी की थी। नशे के कारोबार के खिलाफ कंटिन्यूस पुलिस का जो एक अभियान है वो चल रहा है, और ऐसे तस्करों के खिलाफ